अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं आपका मेजबान साहिल इकबाल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन किराम, जिस तरह से आपने कैप्शन में पढ़ ही लिया होगा, ये अपडेट जो है तमाम जो डाइट में स्कूल्स आते हैं और यूं कहें कि तमाम बच्चों के लिए है जो पहली जमात से आठवीं जमात या नौवीं जमात तक प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं और जो आठवीं जमात में बच्चे जो हैं प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं उनके लिए है। आपको मैं बता दूं कि SCERT यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है उन्होंने तमाम डाइट्स को जो है हिदायत दी है कि वो अपने अपने जो उनके तहत जो स्कूल्स आते हैं, सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूल्स की अगर बात करें तो उनके अहाते में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स आते हैं उन सबको हिदायत दी है, डाइट को हिदायत दी है कि वो उन सब स्कूल्स का जो इनरोलमेंट है वो जो SCERT है उनको भेजें और साथ ही साथ जो प्राइवेट स्कूल है यानी डाइट्स के अहाते में जो प्राइवेट स्कूल आते हैं उनकी आठवीं जमात की जो इनरोलमेंट है उसका भी जो है डेटा जो है वो SCERT को भेजे। और साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि वो जो है गूगल शीट पर जो है अब इस डेटा को अपलोड कर सकते हैं और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि ये जो डेटा होगा तमाम डाइट्स को हिदायत दी गई है कि वो गूगल शीट में किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के डेटा को जो है उसमें ओवरराइट ना करें यानी उसके साथ छेड़छाड़ ना करें, सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट या अपने जो डाइट्स हैं उसी में जो है इस डेटा को फिल करें। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है उनको कि वो एक्सेल फॉर्मेट में इसको सबमिट कर सकते हैं और इसके लिए उन्होंने वेबसाइट माफ कीजिएगा जो ईमेल एड्रेस दिया है वो भी आप तक हम शेयर करेंगे। ये है ERCA.SCERTIK@gmail.com। इस पर आप जो है इस डेटा को जो है शेयर कर सकते हैं और वहां पर ये डेटा जो है फिर NCERT को जो है पहुंचेगा। और हमने इस हवाले से जब जो SCERT हैं उनके ऑफिशियल्स हैं जब हमने इस हवाले से बात करने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्या वजूहात हैं क्यों ये डाइट्स को ये डेटा जो है सबमिट करना है, तो वहां से बताया गया कि हर साल इस तरह का डेटा जो है कलेक्ट किया जाता है तमाम स्कूल से जो डाइट के अहाते में आती हैं और खासकर प्राइवेट स्कूल्स के जो 8th क्लास का इनरोलमेंट है वो हासिल किया जाता है और ये जो है बाद में इनके काम आता है जो सिलेबस होता है या जो करिकुलम वहां पर उस किताबें तैयार करनी होती हैं वो उस हवाले से तैयार की जाती हैं और इस चीज को इनरोलमेंट को मद्देनजर रखते हुए उतनी किताबें जो हैं तैयार की जाती हैं। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी भी 8वीं जमात तक जो है किताबें मुफ्त में फराहम की जाती हैं तो ये डेटा जो है वहां पर काम आता है। तो नाज़रीन किराम, ये छोटा सा अपडेट था स्कूल्स और स्कूल जो डाइट्स के हवाले से ये छोटा सा अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे, खासकर जो पहली जमात से नौवीं जमात के गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं और आठवीं जमात के प्राइवेट स्कूल बच्चों के लिए ये था और खासकर उनके जो स्कूल्स हैं या जो डाइट्स हैं उनके हवाले से ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अपडेट पसंद आया होगा और ये इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। तो नाज़रीन किराम, इसी तरह से हम छोटे बड़े अपडेट्स जो हैं आप तक पहुंचाते रहते हैं अपनी वेबसाइट के जरिए से या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए से, टेलीविजन चैनल के जरिए से। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रोग्राम्स, हमारे अपडेट्स आपको पसंद आते होंगे, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। और नाज़रीन किराम, इस अपडेट में इतना ही।